हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, जो वाया इटारसी होकर चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, जो वाया इटारसी होकर चलती है। ये हफ्ते में 5 दिन चलती है। ये जो ट्रेन है जबलपुर से रतलाम, वडोदरा, अहमदाबाद, वनखानेर, राजकोट होती हुई ये सोमनाथ में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। दोस्तों, ये जो ट्रेन है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो वाया इटारसी होकर चलती है, ये ट्रेन जो है जबलपुर से सोमनाथ के बीच में हफ्ते में 5 दिन चलती है। हर इतवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चलती है। बाकी 2 दिन जो है ये वाया बीना होकर चलती है। ये इटारसी होकर हफ्ते में 5 दिन चलती है। ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का नंबर है 11464 और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। 30 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके 51 स्टेशन हैं और 1413 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 47 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। अगर हम बात करें जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस के कोचेस के बारे में, तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास के कोच हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो जबलपुर से सोमनाथ तक का बताऊंगा, जो वाया इटारसी होकर होगा। फर्स्ट एसी का जो किराया वो है 3865 रुपये, जिसमें जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल है। सेकंड एसी का जो किराया वो है 2255 रुपये, इसमें भी जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल है। इसके अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस में जो वाया इटारसी होकर चलती है, इसमें थर्ड एसी कोच भी है, जिसका किराया जो है 570 रुपये के करीब है, 1540 रुपये के करीब है। इसमें भी जीएसटी चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होता है। और स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 570 रुपये के करीब। इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता, बस रिजर्वेशन चार्ज और बेस फेयर चार्ज शामिल होते हैं। इसके अलावा जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस में जनरल अंडर और डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है 320 रुपये है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया, ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो वाया इटारसी होकर चलती है, उसका टाइम टेबल क्या है। ये जो ट्रेन है जबलपुर जंक्शन से हफ्ते में 5 दिन चलती है और 11:40 पे ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन श्रीधाम स्टेशन में पहुंचती है 12:18 पे और 12:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन करकबेल स्टेशन में पहुंचती है 12:31 पे और 12:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नरसिंहपुर स्टेशन में पहुंचती है 12:48 पे और 12:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है करेली स्टेशन में पहुंचती है 1:03 पे और 1:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गडरवारा स्टेशन में पहुंचती है 1:33 पे और 1:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पिपरिया स्टेशन में पहुंचती है 2:08 पे और 2:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो है वो सुहागपुर में पहुंचती है 2:30 पे और 2:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन में पहुंचती है 4:00 और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है रिवर्स भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है होशंगाबाद स्टेशन में पहुंचती है 4:33 पे और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हबीबगंज में पहुंचती है, भोपाल हबीबगंज में ट्रेन जो है 5:43 पे पहुंचती है और 5:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भोपाल जंक्शन में पहुंचती है 6:20 पे और 6:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये संत हिरदाराम नगर में पहुंचती है 7:06 पे और 7:08 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सीहोर में पहुंचती है, सीहोर में ये ट्रेन जो है 7:33 पे पहुंचती है और 7:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये पर्वती स्टेशन में पहुंचती है 7:50 के करीब और 7:50 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है काला पीपल स्टेशन में पहुंचती है 8:04 पे और 8:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सुजालपुर में पहुंचती है
8:17 पे और 8:19 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अकोदिया स्टेशन में पहुँचती है। अकोदिया स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 8:32 पे पहुँचती है और 8:33 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है काली सिंध स्टेशन में पहुँचती है रात के 8:51 पे और 8:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो है वो बेरछा स्टेशन में पहुंचती है रात के 9:04 पे और 9:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। मक्सी जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 9:21 पे पहुँचती है और 9:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। उसके बाद जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो है वो तराना रोड स्टेशन में पहुँचती है रात के 9:31 पे और 9:32 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उज्जैन जंक्शन में पहुँचती है रात के 10:45 पे और 10:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नगदा जंक्शन में पहुँचती है। नगदा जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11:50 पे पहुँचती है और 11:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है खाचरोड स्टेशन में पहुँचती है रात के 8:16 पे और 12:08 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये रतलाम जंक्शन में पहुँचती है रात के 1:05 पे और 1:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो वाया इटारसी होकर चलती है वो मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन मेघनगर में पहुँचती है रात के 2:18 पे और 2:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो है दाहोद गुजरात में पहुंचती है 2:48 पे और 2:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गोधरा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:08 पे और 4:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है डेरोल स्टेशन में पहुंचती है। डेरोल स्टेशन में ये सुबह 4:29 पे पहुंचती है और 4:31 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा जंक्शन में पहुंचती है। वडोदरा जंक्शन में ये सुबह 5:22 पे पहुंचती है और 15 मिनट बाद 5:37 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आनंद जंक्शन में पहुंचती है। आनंद जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 6:32 पे पहुंचती है और 6:34 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप। उसके बाद ये ट्रेन जो है नादिया जंक्शन में पहुंचती है सुबह 6:50 पे और 6:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है महमदाबाद खेड़ा रोड में पहुंचती है सुबह 7:06 पे और 7:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मणिनगर में पहुंचती है सुबह 7:45 पे और 7:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन में पहुंचती है सुबह 8:10 पे और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है और यहां पर इसका इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चांडोलिया स्टेशन में पहुंचती है 8:47 पे और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो है वो विरंगम जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:36 पे और 9:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो वाया इटारसी होकर चलती है वो अपने अगले स्टेशन सुरेंद्र नगर जंक्शन में सुबह 10:44 पे पहुंचती है और 10:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है थान स्टेशन में पहुंचती है सुबह 11:25 पे और 11:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वनखानेर जंक्शन में पहुंचती है। वनखानेर जंक्शन में ये सुबह 11:50 पे पहुंचती है और 11:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजकोट जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 1:12 पे और 1:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। भक्ति नगर में ट्रेन जो है दोपहर के 1:38 पे पहुंचती है और 1:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो है वो गोंडल स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 2:18 पे और 2:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये वीरपुर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 2:35 पे और 2:36 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जैटलसर जंक्शन में पहुँचती है। जैटलसर जंक्शन में ये 2:54 पे पहुँचती है और 5 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये जूनागढ़ जंक्शन में पहुँचती है
दोपहर के 3:26 पे और 3:28 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये केशोद स्टेशन में पहुँचती है शाम के 4:07 पे और 4:08 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है और 1362 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मलिया हटियाना स्टेशन में पहुंचती है शाम के 4:24 पे और 4:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो है जो वाया इटारसी होकर चलती है वेरावल जंक्शन में पहुंचती है जो कि इसका सेकेंड स्टेशन है। यहाँ पर ये शाम के 5:10 पे पहुंचती है और 5:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोमनाथ स्टेशन में पहुंचती है जो कि गुजरात का इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस जो है शाम के 5:45 पे पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 1413 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। और या अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।